हाथ पैर और चेहरे को गोरा कैसे करें। हाथ पैर और चेहरे को गोरा कैसे करें, हिंदी में हाथ पैर की त्वचा को कैसे चमकाएं। इन्हीं सवालों का अगर आप जवाब ढूंढ रहे हैं तो रिलैक्स हो जाइए। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी वे में घर पर ही हाथ पैर और चेहरे को गोरा कैसे बना सकते हैं वो बताऊँगी, जिससे आपको एक बार में ही आपको फैंटास्टिक रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। और अगर आपको वीडियो जरा भी यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है शैम्पू। तो मैंने यहाँ पर क्लिनिक प्लस शैम्पू लिया है। तो आपको इस तरीके से एक बाउल ले लेनी है और बाउल में आपको एक सैसे यहाँ पर शैम्पू का ऐड कर लेना है। दोस्तों आप बहुत ही आसान तरीके से अपने घर पर ही हाथों और पैरों को गोरा बना सकते हो। आप अपने हज़ारों रुपये बचा सकते हो। आपको पार्लर में जाने से अच्छा है आप घर में ही होममेड चीज़ों से अपने हाथों और पैरों को गोरा बना सकते हैं। अगर आपको कभी भी इंस्टेंट ग्लो चाहिए अपने चेहरे पर तब भी आप इसको लगा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस तरीके से शैम्पू ले लिया है। शैम्पू आप कोई भी ब्रांड का यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। शैम्पू एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे जितने भी शरीर की गंदगी होती है वो निकालती है। जिस तरह ये हमारे बालों की गंदगी को, मैल को साफ़ करता है, उसी तरीके से ये हमारे शरीर में जितनी भी जमी हुई गंदगी होती है उसको ये निकालता है। और हमारे हाथों और पैरों में जितना भी डस्ट पार्टिकल होता है ना, वो बिल्कुल कम हो जाएगी। अगर आपने सही तरीके से इसका प्रयोग कर लिया के हाथों और पैरों का कलर इतना अच्छा, इतना गोरा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ले ली है हल्दी। तो मैंने यहाँ पर कस्तूरी हल्दी ली है। तो आपको यहाँ पर आधी चम्मच के करीब इसमें हल्दी ऐड कर लेनी है। दोस्तों हल्दी जो होती है वो हमारे स्किन के कलर को निखारती है। जब भी आपने देखा होगा कि जो ब्राइडल होती है उनकी शादी से पहले उनको हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हल्दी हमारे जितनी भी मैल गंदगी होती है उसको भी हटा देता है, साथ ही जो हमारे स्किन होता है स्किन के कलर को निखारता है। तो आपको इसमें थोड़ा सा आधा चम्मच के करीब आपको इसमें सिंपली हल्दी ऐड कर लेनी है। या फिर अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी नहीं है तो आप जो भी हल्दी अपनी किचन में यूज़ करते हो वो हल्दी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि हल्दी जो होती है वो इम्यूनिटी बूस्ट होती है, साथ ही हमारे चेहरे और स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। और हल्दी हम लोग लगाते हैं नॉर्मली वैसे भी, तो इसको आप अगर आप गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं तो दोनों ही इसको यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही इस रेमेडी को लगा सकते हैं। तो दोस्तों नॉर्मली आप यहाँ पर किचन में जो भी हल्दी हो वो हल्दी आप इसमें ऐड कर लें। और इसके बाद दोस्तों आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको यहाँ पर लेना है बेकिंग सोडा। तो मैंने आधे चम्मच से थोड़ी सी कम क्वांटिटी रखी है, तो मैंने यहाँ पर ले लिया है बेकिंग सोडा। दोस्तों जो हम खाने में यूज़ करते हैं वही बेकिंग सोडा का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। दोस्तों बेकिंग सोडा हमारे स्किन पर होने वाले दाग धब्बों को दूर करने के लिए किया जाता है। इसमें मौजूद ब्लीचिंग गुड़ हमारी त्वचा के रंगत को निखारते हैं। ये ब्लैक हेड्स को दूर करने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। स्किन पर बेकिंग सोडा यूज़ करने से डेड सेल साफ़ हो जाते हैं और हमारी स्किन के रंग में निखार आता है। सनबर्न या टैनिंग की समस्या को दूर करने के लिए बेकिंग सोडा कमाल का रिजल्ट देता है। इसके बाद मैंने इसमें 1.5 चम्मच के करीब ऐड कर दिया है लेमन यानी कि नींबू। फ्रेंड्स जो नींबू का रस होता है ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। हमारी स्किन से जितना भी टैनिंग होती है उसको ये दूर करता है, साथ ही साथ जो हमारी डार्कनेस होती है नींबू उसको कम करता है। तो इस तरीके से आपको इसमें नींबू ऐड करना है। इसको अच्छे से आपको मिक्स करना है, इस तरीके से मिक्स करते जाइए अच्छे से। जब ये मिक्स हो जाएगा, मिक्स करने के बाद दोस्तों आपको इसे कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए आपको इसे रेस्ट के लिए छोड़ देना है। फ्रेंड्स अब आप लोग जल्दी से कमेंट करके मुझे ये बताइए आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ कहाँ से वॉच कर रहे हैं। तो लगभग इसे रखे हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो गए हैं। तो इसके बाद चलिए जानते हैं इसका एप्लीकेशन आपको किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपको इस तरीके से अपने हाथों पर एक ब्रश ले लीजिए। ब्रश की हेल्प से आपको इस तरीके से इसे अपने हाथों के ऊपर अप्लाई कर लेना है। आप चाहे तो यहाँ पर अपने फिंगर की हेल्प से इसको अच्छे से लगा सकते हैं, या आपके पास ब्रश है तो आप इसे ब्रश से अच्छे से लगा लीजिए। बहुत ही आसान तरीके से ये लग जाएगा और आपके जो जितने भी हाथों पैरों पे जमी हुई गंदगी और मैल होगी ये उसको हटा देगा और आपकी स्किन के रंग को निखार देगा। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं इसी तरीके से आपको यहाँ पर इसको अपने हाथों और पैरों पर, अगर आपकी नेक पर भी कालापन है या बहुत ज़्यादा डार्कनेस है तो आप यहाँ पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसे अच्छे से अप्लाई करने
के बाद आपको इसे कम से कम 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद आपको यहाँ पर लेना है एक कच्चा आलू। तो मैंने यहाँ पर आधा आलू ले लिया था। तो अब इस तरीके से आपको आलू को इस तरीके से हाथों पर रब करना है। दोस्तों आलू जो होता है वो हमारे स्किन के कलर को फेयर करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और हमारी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम को आलू दूर करता है। अगर आपकी स्किन पर झुर्रियाँ हैं या आपकी स्किन ढीली पड़ गई है, दाग धब्बे हैं, पिंपल हैं, तो इस रेमेडी से आपकी ये सारी प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से दूर हो जाएगी। तो आपको इस तरीके से इसे रब करते जाना है। जैसे जैसे आप इसे रब करेंगे तो जितने भी आपकी जो डेड स्किन होगी वो रिमूव हो जाएगी। फ्रेंड, जो धूप गंदगी मिट्टी होती है वो हमारी त्वचा पर जम जाती है और हमारी स्किन को डैमेज कर देती है, जिससे हमारी त्वचा का रंग गहरा हो जाता है। दोस्तों चेहरे पर तो हम क्रीम लगाकर उसे ठीक कर लेते हैं, लेकिन हमारे हाथ पैर काले ही रह जाते हैं क्योंकि उन पर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इस तरीके से आप अपने हाथों और पैरों को गोरा बना सकते हैं, साथ ही साथ अपने चेहरे को भी निखार सकते हैं। अगर आप पेडिक्योर मैनिक्योर के शौकीन हैं और आप पार्लर में जाकर हज़ारों रुपये खर्च करती हैं, तो इस बार एक बार इस रेमेडी को ट्राई करके देखिएगा। आपको यहाँ पर पैसे भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। ये आपको फर्स्ट टाइम में ही बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देगा। तो इसके बाद इसको अच्छे से दोनों हाथों पर रब कर लिया है। रब करने के बाद मैंने यहाँ पर ले लिया है पानी। एक बर्तन में आपको पानी ले लेना है। इस तरीके से आपको अपने हाथों को अच्छे से वॉश करना है। तो कम से कम आपको 10 मिनट इसी तरीके से अपने हाथों पर इसे अच्छे से रब करना है, जिससे जितना भी मैल और गंदगी होगा वो सारा निकल जाएगा और इससे जो आपके नेल्स होंगे, नेल्स भी आपके इससे बहुत ही ज़्यादा क्लीन हो जाएंगे। तो आप कोशिश करें कि आपको इसी पानी में अपने हाथ और पैरों को कम से कम 10 मिनट तक अच्छे से वॉश करना है, 10 मिनट तक रखना है। और अगर आप अपने नेल्स को वाइड बनाना चाहते हैं तो इसी पानी के अंदर आपको अच्छे से अपने नेल्स को साफ करना है और ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से क्लीन करना है। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम में ही इतने अच्छे रिजल्ट मिले हैं। और अगर आप इसे हफ्ते में 2 बार यूज़ करते हो और रेगुलर इसका प्रयोग करेंगे तो आपके हाथों पैरों का कलर एकदम गोरा और खूबसूरत हो जाएगा। साथ ही आप इसे जो कोहनी होती है, कोहनी का कलर भी हमारा थोड़ा सा डार्क हो जाता है, हमारी नेक पर भी कालापन आ जाता है, तो आप इसे वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, इस पैक को लगा सकते हैं। इससे आपके जो नेक का कलर है वो जो है वो लाइट हो जाएगा और आपके हाथों पैरों का कलर भी एकदम गोरा हो जाएगा। तो दोस्तों एक बार इसे ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। इतनी आसान सी रेमेडी है और बहुत ही सस्ती है। आपको यहाँ पर पैसे भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप पार्लर में जाकर हज़ारों रुपये खर्च करते हैं, पेडिक्योर मैनिक्योर करवाते हैं और पेडिक्योर मैनिक्योर के शौकीन हैं, तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा अपने घर पर। इससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।